उसका उत्तर दिया था कि गांधीवाद क्या है, अंबेडकरवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है, नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है, लेकिन नंगे को देखकर उसके बदन पर सूट बूट टाई कोट लाना ये अंबेडकरवाद है, ये अंबेडकरवाद है। अगर एक ही लाइन में बताना है तो ये बता सकता हूं। और इसलिए आज जो काम चल रहा है इस देश में कह रहे हैं कि भारत में बौद्ध है 0.6%। ठीक है, चलो मान लिया हम लोग इस देश में 0.6% है, मान लिया। तो इस देश का प्रधानमंत्री जब थाईलैंड जाता है, श्रीलंका जाता है, जापान जाता है, फ्रांस जाता है, तब इस देश को वहां पर जाकर क्यों कहता है कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं? क्यों कहता है? अगर इस देश में बौद्ध 0.6% है, ये अगर आप खुद भारत सरकार अहवाल देती है और कहती है कि इस देश में बौद्ध नहीं है, तो इस देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर इस देश को बौद्ध राष्ट्र क्यों बोलता है? वहां जाकर बोलो ना कि मैं हिंदू राष्ट्र से आया हूं। वो क्यों नहीं कहता मालूम है? क्योंकि उसको भी पता है, उसको भी पता है कि अगर हिंदू धर्म के नाम पे अगर मैं भीख भी मांगू ना तो एक रुपया कोई मुझे भीख भी नहीं देगा, इसलिए वो पुत्र का नाम लेता है। अभी का उदाहरण ले लो, 15 दिन पहले शिंजो आबे इस देश में आए, अहमदाबाद गए। अहमदाबाद जाने के बाद उनके स्वागत के लिए भंती जी खड़े थे, सभी भंती जी को लाइन में खड़ा किया, शिंजो आबे का स्वागत हुआ। और फिर जहां पर रुकते हैं, जापान के आए हो, फ्रांस के आए हो, बुद्धा की मूर्ति उनको सामने दिखाई दे, इस तरह से व्यवस्था होती है, इस तरह से व्यवस्था होती है। इस तरह से बुद्धा के नाम पर अभी इस देश में 15 दिन पहले 1,00,000 करोड़ रुपए बुद्धा के नाम पे आए, 1,00,000 करोड़। अभी आपके यहां पर कोई मैथमेटिशियन बैठा होगा, उसको मैं पूछूं कि 1,00,000 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं मुझे बताओ, वो भी बोलेगा एक मिनट रुको मुझे जीरो लिखने दो कितने आते हैं। इतने पैसे इस देश में बुद्धा के नाम पे आते हैं, क्या आपके पास आते हैं? क्या आपकी व्यवस्था मजबूत होती है? यानी इस देश में बुद्धा के नाम पर पैसे आते हैं, और वो पैसे बुद्धा के नाम पर आने के बाद व्यवस्था अडानी और अंबानी की मजबूत होती है, अडानी की मजबूत होती है, अंबानी की मजबूत होती है। आज भी मेरे सामने जो बौद्ध यहां पर बैठे हैं, उन्होंने, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज तक बुद्धा के नाम पे 1 रुपए की फैसिलिटी नहीं ली हो, ना कोई स्कॉलरशिप ली होगी, ना कोई नौकरी मिली होगी, 1 रुपए की फैसिलिटी आज भी आप लोग बुद्धा के नाम पे नहीं लेते, शेड्यूल कास्ट के नाम पे लेते होंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज इस देश में जो बुद्धिज्म के विरुद्ध में काम हो रहा है, वो हम लोगों को पहचाना हो। बुलेट ट्रेन ला रहे इस देश में, और वो बुलेट ट्रेन कहां से कहां दौड़ेगी? अहमदाबाद से मुंबई, 1 घंटे का सफर। अहमदाबाद से डायमंड मर्चेंट बैठेंगे, जो डायमंड मर्चेंट मुंबई में आएंगे, आपका सामान्य आदमी नहीं बैठे वहां। बुद्धा के नाम पे इस देश में पैसा आ रहा है, और वो डायमंड मर्चेंट्स को वहां पर दिया जा रहा है। इस देश में बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, जापान के बुलेट ट्रेन की कतई जरूरत नहीं है। जापान में जो एजुकेशन सिस्टम है, जापान का एजुकेशन सिस्टम एकमात्र ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो लॉजिक डेवलप करने के लिए बचपन से ट्रेनिंग देता है, तर्क करने का शिक्षण देता है। वाई नाम का उनका सब्जेक्ट है, क्वेश्चन करो वाई, यानी सिलेबस ही उनका इस तरह से डिजाइन है कि वो बचपन से ट्रेन किए जाते हैं तर्क करने के लिए, बचपन से उनको तर्क करने का शिक्षा प्राप्त होता है। हमारे बच्चे पहली में जाते हैं, सुबह सुबह खड़ा किया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चालू कर दिए। हमारे बच्चों को बुद्धम शरणम गच्छा में नहीं आता, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पूरा आता है, सुबह ही खड़ा कर दिए जाते हैं, सुबह सुबह ही चालू कर दिया जाता है। तर्क करने का कोई शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिलती। मैं कहता हूं हम लोगों को बुलेट ट्रेन देने के बजाय जापान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस देश में लागू कराओ, तब जाके इस देश का विकास होगा। आप लोग शिक्षा नहीं दे रहे,
हमारे बच्चों को मानसिक गुलाम बनाने का ट्रेनिंग आज इस देश में शुरू हो गया। नया कानून पास हो गया RTE NEET नीट, आप लोग क्वालिफाइड लोग बैठे हो, नीट एग्जाम से आपके बच्चों को भी गुजरना होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा, उस बच्ची का नाम मैं भूल गया, चेन्नई की साउथ की एक लड़की है, 97% उसको साइंस में मार्क्स मिले, 97% 12वीं के साइंस में 97% मार्क्स मिले, और 12वीं के बाद 12वीं के बाद उसको फिर से नीट की एग्जाम देनी है ताकि उसको FY में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल सके। 97% प्राप्त की हुई लड़की नीट में फेल होती है, आत्महत्या कर लेती है। 97% लेकर हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये मीडिया उसको कहता है सुसाइड है, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये कानून बनाकर हमारे बच्चों का मर्डर आज इन लोगों ने शुरू कर दिया। रोहित वेमुला, ये सारा इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स कानून बनाकर आज ये लोग करना शुरू कर दिया। और इसलिए आज इस देश में एकमात्र हम लोगों के पास पर्याय उपलब्ध है, ऑप्शन उपलब्ध है, और वो है धम्म का, बौद्ध धम्म का। मैं कहता हूं इस देश में अगर नरेंद्र मोदी इस देश के बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन बाहर जाके करते हैं, अगर वो वहां पर जाके करते हैं, तो आप लोगों को किसने रोका है? और इसलिए इस देश के बौद्धों को डायरेक्ट हमारे बौद्ध राष्ट्रों से हमारे लिए मदद इस देश में लानी हो, और उसके लिए ये सारा नियोजन हम लोग कर रहे हैं। ये केवल आपसे फॉर्म भरा के ले लिया, आपके 10 रुपए ले लिए, हमारा काम खत्म हो गया। हमारा काम उसके बाद शुरू होता है, हमारा काम उसके बाद शुरू होता है। ये जितने भी देश है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, आप लोगों को मालूम होगा, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे, 1954 में हो, 1955 में हो। आपको पता है बाबा साहब को हम लोग बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। ये बोधिसत्व पदवी ये दिया किसने? ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर जी को जागतिक बौद्धों के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन स्कॉलर्स ने बाबा साहब अंबेडकर जी को ये पदवी दी कि ये कौन बंदा है, ये कौन है जिनको हमारे से ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में पता है। बाबा साहब अंबेडकर जी को जो बौद्ध के स्कॉलर्स आया करते थे कॉन्फ्रेंसेस में, उसमें भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन लोगों को बहस में हरा दिया था, और तब जाकर इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को बोधिसत्व ये पदवी दी थी। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस दीक्षा लेने से पहले बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे विश्व में हम लोगों की जो लिंक है, हम लोगों का जो रिश्ता है, वो पूरे जग से, पूरे दुनिया से जोड़ दिया है। लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते, हमको पता ही नहीं है। हम लोग वो कुएं के मेंढक जैसे हो गए हैं कि वो कुआं ही हमको हमारी दुनिया लगती है। वैसे अगर आप लोग दिल्ली में हो तो आपको लगता है कि ये दिल्ली के ही बौद्ध, हम लोग इतने ही है। महाराष्ट्र के बौद्ध, महाराष्ट्र में से भी एक एक जिला के, एक एक डिस्ट्रिक्ट के बौद्धों उतने ही तक सीमित हो गए, वहीं तक सीमित है, और अपने अपने ही विश्व में वो लोग व्यस्त हो गए। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्ट्रक्चर बनाया था, उसको हम लोग कभी वहां पर अप्रोच ही नहीं करते, वहां पर हम लोग कभी जाते ही नहीं है, और फिर हमारे बिहाफ पे, हमारे माध्यम से ये लोग जाते हैं, और वो लोग जाके कहते हैं कि हम लोग भारत के बौद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपके नाम से बाहर जा रहे हैं, हमारे नाम से बाहर जा रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, निर्माण करते ही इसको वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का मेंबर भी बनाया। ये हम लोगों को मालूम ही नहीं था। जब मैं ये सारा रिसर्च कर रहा था, तब मुझे इंटरनेट पे से ये न्यूज़ मिली, ये इंफॉर्मेशन मिली
कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में रजिस्टर कराया है, जिसके 34 से भी अधिक देश मेंबर है, 150 से भी ज्यादा संस्थाएं वहां पर मेंबर है, सभी के ईमेल्स, सभी के फोन नंबर, सभी के फैक्स मेरे पास आज मौजूद है। इन लोगों को एक मेल भी मैं अगर डालता हूं तो सारे के सारे देश तुम्हारी मदद के लिए आ सकते हैं। इतनी पावर आज बाबा साहब अंबेडकर हमारे हाथ में दे गए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है।